ओम नमः शिवाय। अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष रविवार त्रयोदशी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, मीठा बोलने वाले, लोकप्रिय और कुशल व्यापारी होते हैं। ये संवेदनशील, दयालु हृदय वाले, न्यायप्रिय, स्पष्टवादी और बुद्धिमान होते हैं। ये उच्च अभिलाषी, तर्क शक्ति करने में प्रवीण, मानवतापूर्ण कार्य करने वाले और स्वतंत्र विचारधारा के भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शुक्र और राहु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज तुला राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। चंद्रमा बृहस्पति के साथ हैं, जिससे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। गजकेसरी योग का प्रभाव पूरे मानव जाति पर उनके स्वयं के अपने कारकों के अनुसार माना जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मानित किए जाएंगे। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों बढ़ा हुआ रहेगा। हर काम आसानी से संपन्न होंगे। भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, मगर साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। दोषारोपण की संभावना बनती है। हालांकि आपकी कार्य योजना में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी व संतान संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों आपके छठवें भाव में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं। समय समय पर उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहना चाहिए और मन अनावश्यक रूप से भयग्रस्त रहेगा। हालांकि आपकी कार्य योजनाएँ सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। शासन सत्ता का सहयोग बना रहेगा। अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सफलता के लिए प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए अनुभव प्राप्त होंगे। रचनात्मक सक्रियता लाभप्रद रहेगी। आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। गजकेसरी योग का पूरा फल आपके आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति में रूपांतरित हो जाएगा और नई कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ में महिला वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी। आज का दिन सफलता भरा रहेगा। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। रुके हुए काम चालू होंगे। बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है। भूमि, वाहन इत्यादि में निवेश के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। कमर व पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। सिंह राशि के जातकों के सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। गुरु चंद्रमा का योग आपके तीसरे भाव में बना हुआ है। लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा और आपको फल मिलता जाएगा। व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलता जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मगर नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के वाणी में तेजस्विता और प्रभावशाली ढंग से पेश करने की रचनात्मक पहल विकसित होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साझेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है। नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और यात्रा का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विरोधियों की साजिश से बचें, सावधानी अपेक्षित है।
तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सहयोगी बना रहेगा। आर्थिक लाभ और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। पुरानी समस्याओं की पुनरावृत्ति संभावित है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहयोग करेगा। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है, मगर आत्मविश्वास में कमी और अनावश्यक चिंता संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। परिवारजनों के सहयोग से मन में शांति मिलेगी। धनु राशि के जातकों के आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल है। नए रिश्ते की बुनियाद मजबूत होगी, मगर किसी से उलझना उचित नहीं होगा। मकर राशि के जातकों के लिए दिन भर का समय कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों के सानिध्य और सहयोगियों के साथ व्यस्ततापूर्ण माहौल में बीतेगा। अपनी बैठक का नेतृत्व सफलतापूर्ण ढंग से करेंगे। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। माहौल को अपने अनुरूप बनाने में सफल रहेंगे और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, मगर संतान संबंधी चिंता संभावित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। नई कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। अपनी योजनाओं में सुधार का मौका मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है। पुराने संबंध पुनर्जीवित होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी होंगी और भावनात्मक लगाव बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधिक परिश्रम और भाग दौड़ वाला बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। छोटी यात्रा भी संभावित है, मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। राहु के पंचम भाव में बैठने, चंद्रमा व बृहस्पति के आठवें भाव में चलने की वजह से मन में नकारात्मक भाव और उत्साहहीनता की स्थिति संभावित है, मगर आपको अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। आर्थिक लाभ का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।